मंदिर पे ताला बंद है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कोई आपको नहीं दिख रहा होगा, मंदिर पे पूरा ताला बंद है। यहाँ पे जूम करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये ताला बंद है और कोई एक कहाँ शमशान शमशान किधर है, इस साइड में मतलब पार्क साइड में क्या उधर पार्क साइड में तो मशीन चल रहा है, कुछ यहाँ पे हिल रहा है, ये आपको यहाँ पे सामने में दिख रहा होगा। वेलकम टू माय अनदर फर्स्ट ब्लॉग, तो आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने नई वीडियो पे। और आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेस पे। मैं दिल्ली में हूँ, आपको पता ही है, दिल्ली में 6-7 दिन से मैं यहीं पे हूँ दीदी के पास। और अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और लोग बोलते हैं कि हमारे मतलब घर के उस साइड पार्क साइड जिधर एक बार मैं दिन में आपको दिखाया था, लोग बोलते हैं उधर रात वात में कोई ऐसी एनर्जी होती है, मतलब ऐसा लगता है रोड चलता हुआ तो ऐसा लगता है कुछ खड़ा है, कुछ इस टाइप का आता है। और अभी 11:30 हो गए, जीजू को बुला रहा हूँ मैं और चलते हैं, पहले डायरेक्ट हम लोग चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है क्या नहीं, एक्सप्लोर थोड़ा करेंगे, देखते हैं क्या है। कुछ ऐसा मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसी एनर्जी टाइप की दिखती है। और यहाँ पे लाडो अभी सोई हुई है और जीजू अभी नीचे जा रहे हैं, जीजू आ रहे हैं जस्ट वॉशरूम से, तो हम डायरेक्ट आते हैं वहीं पर। अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में बोला जाता है कि दिल्ली में जो पार्क होते हैं, पार्क में मतलब आत्माएं वात्माएं, ये जिस पार्क में हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, पूरा रोड सुनसान है, जैसे कि देख सकते हो इस साइड में भी पूरे लोग सुनसान है, एक दो लोग बस रोड पे दिख रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और जीजू काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं आपके लिए गाइस, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, आपको आर्टिकल दिख रहा होगा साइड में स्क्रीन पे, कि मतलब दिल्ली में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से वो आता है और वहाँ पे लोग कोई नहीं जाता, दिन में तो कोई जाता ही नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं रात में, देखते हैं आगे क्या होता है। जीजू एक्साइटेड है तो बहुत बहुत इनकी तो कुछ हो ही नहीं रहा, आगे चलिए पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। तो जीजू दारू पी रहा है भूत पता नहीं किसका बॉटल रखा हुआ है वहाँ पे दारू का। ओ भाई क्या कार है, कितनी नीचे कितनी गिर गई। फाइनली हम लोग आ चुके हैं पार्क में, जैसा देख सकते हो पार्क का गेट बना रखा है कैसे, अब जा रहे अंदर, देख लो आते ही आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, जैसे देख सकते हो इसमें कुछ लिखा हुआ है पता नहीं क्या रूल। और देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा पार्क है, दिल्ली का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। तो आई होप क्लियर आपको आ रही होगी वॉइस और रिकॉर्डिंग भी। और यहाँ पे कोई बंदा आपको नहीं दिखेगा, आप लोग देख लो, और मैं अकेले यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा आपको, मैं हूँ और बस आगे में जीजू जा रहे हैं जो वो हैं, बस ऐसे ही देख लीजिए, लाइट वाइट भी सारा बंद हुआ पड़ा है और कोई दिख ही नहीं रहा है। बोला जाता है कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में ये आता है, कोई एक बंदा आपको नहीं दिख रहा होगा। और जीजू यहाँ पे खड़े, जीजू काहे मेरा फाड़ रहे हैं आप, अलग ही डर लग रहा है मेरे को। चलिए आगे, जल्दी जल्दी चला जाए। और वैसे देख सकते हो यहाँ पे आगे में, वहाँ पे आपको उस साइड में आपको दिख रहा होगा थोड़ी रोशनी टाइप की, वहाँ पे मंदिर भी है, पता नहीं किस चीज़ का मंदिर है। और मेरी तो गजब फट रही है भैया, अलग टाइप का मेरा फट रहा है पूरा का पूरा, कोई है ही, एक बंदा रहता तो बोलते ना कि यहाँ कोई है, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं यार, कोई एक बंदा नहीं है। और इसके बारे में मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था कि यहाँ पे मतलब जो होते हैं लोग आते हैं, सुसाइड कितनों ने कर रखा है, मतलब आर्टिकल पे सिंपली लिखा हुआ था कि सुसाइड वाले केसेस यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और दिन में तो आना इधर एकदम पूरा मना है, किसी को नहीं आने दिया जाता है। और भाई हम लोग तो 11:30 बजे आए हैं, टाइम कितना हो रहा है अभी, 12 बजने वाले हैं बस कुछ मिनट में, और 12 बजे हम लोग आए किधर, इधर चले आए, इधर ज़्यादा डर लग रहा है, इधर ही चलते हैं सर, क्या बताएं कम। लेकिन रोड के किनारे रोड चलता है, लेकिन साइड जो है ना कोई एक बंदा नहीं दिख रहा है मेरे को, कोई एक जो होता है ना इंसान कोई नहीं दिख रहा, जैसे देख सकते हो इस साइड पूरा अंधेरा हुआ पड़ा पूरा अंदर, और एक लाइट यहाँ पे जल रही है बस, और कोई है नहीं आगे, आप लोग देख लो कोई बंदा ही आपको नहीं दिख रहा होगा, पूरा सूना पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो पता नहीं ऊपर कौन सी बार बार पंछी हमारे आसपास घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और यहाँ पे बहुत अजीब सी एनर्जी टाइप की लग रही है ना जीजू, अजीब नहीं लग रहा आपको थोड़ा बहुत, और बार बार आवाज़ अजीब अजीब आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा यार कि क्या है क्या नहीं। और बहुत डर टाइप का लग रहा है, वहाँ पे एक्सरसाइज वाले जो पार्क में होते हैं वहाँ पे चल रहा था कि, और अभी कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्या बताएं, एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या है यहाँ पे क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा गाइस मेरे को रियलाइज हो रहा है कि कुछ हम अजीब टाइप का, मतलब ऐसा लग रहा है कोई बार बार फॉलो कर रहा है, पीछे में कोई है ही नहीं ना हमारे अलावा, ये इतना बड़ा पार्क है, कोई एक इंसान आपको नहीं दिख रहा। और मंदिर का भी ताला बंद है, आपने देखा होगा कहीं मंदिर का ताला बंद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मंदिर का ताला क्यों बंद कर रखा है कुछ समझ ही में नहीं आता है। और देख लो यहाँ पे बैठने के लिए भी लोग, इतना बड़ा पार्क, और कोई पार्क साइड है नहीं, कोई दिख नहीं रहा इस साइड में। और आगे में वहाँ पे अगर आप देखोगे उस साइड तो एक मंदिर भी है, यहाँ मंदिर का गेट वेट सब कुछ बंद हुआ पड़ा है, लेकिन कोई भी आपको देखने को नहीं मिल जाएगा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मंदिर पे ताला बंद है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कोई आपको नहीं दिख रहा होगा, मंदिर पे पूरा ताला बंद है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ
कि ये ताला बंद है और कोई एक बंदा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। मेरे को देखो, जब वाली मेरी फट रही है एकदम, जिसे साथ साथ रही कहीं जाइए मत, कुछ आवाज नहीं दे रहा क्या? चलाइए मत, मेरे को काहे से डरवा रहा है, एकदम गजब है। हल्का हल्का आवाज आता है, पंछियों की आवाज होगी। और इस साइड में बैठने के लिए दे रखा है। अच्छा वो क्या है जीजू, वो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ चल रहा है, देखिए ना एक बार, वहाँ पे कुछ चल रहा है कि नहीं, वहाँ पे गाइस दिख रहा है आपको, कुछ यहाँ पे हिल रहा है, ये आपको यहाँ पे सामने में दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, ये लाइट ऐसे क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, अभी तो हम लोग गए थे तो एक बार चल के वहाँ पे देखते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कब डाउन ऊपर रहा है। तो गाइस देखो तो लाइट कैसा पिंडम पिंडम कर रहा, उधर की लाइट देखो कुछ नहीं कर रहा है, हाँ अभी हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी हमने क्रॉस किया यहाँ से और अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जल्दी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। पर अभी तो सब सही था, वहाँ पे पता नहीं कहाँ से लाइट जलने लगा, इतना ज़्यादा डर लगने लगा। अभी भी गाइस वो लाइट ऐसी अप एंड डाउन कर रहा है, और जीजू तो दौड़ के आगे निकल रहे हैं क्योंकि सबकी यहाँ पे हालत ख़राब है, और निकलते जल्दी 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 निकली जल्दी, पता नहीं क्या गलत हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है समझ में नहीं। जल्दी आइए, जल्दी 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 दौड़ के आइए, जल्दी 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 गाइस निकलते हैं पहले हम यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं अंकल इतनी रात में? कहाँ जा रहे हैं? काम से आया हूँ। काम से? हाँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कहीं भूत वूत वाला जगह है? कहाँ? शमशान। किधर है? इस साइड में, मतलब पार्क साइड में क्या उधर? तो अरे तो रात में शमशान साइड दिखते हैं ना सब? हाँ क्या दिखते हैं ना? जिस साइड हम लोग गए थे, हाँ अंकल कह रहे हैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, यहाँ तक फिट रही है अब, क्योंकि जिस साइड हम लोग के पार्क होते के जस्ट पीछे में कुछ पता ही नहीं था, अभी हमें पता चला कि पार्क के जस्ट पीछे ही संस्थान भी है, और हमें कुछ पता ही नहीं था। अभी ये बता रहे कि देखते हैं जिस साइड क्यों कहती है सारी चीज़ें, और बोल रहे हैं कि फ़ोन हटाओ कैमरा हटाओ, बोलने लगे थे हटा दिया अपना कैमरा, और अभी डायरेक्ट हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, और जीजू आगे आगे निकल चुके हैं, ये देख लो कैसे जा रहे हैं।